डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, चर्चा में स्वामी फंड। हाल में प्रधानमंत्री ने स्वामी फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना के नए मकान मालिकों को बधाई दी है। स्वामी फंड का पूरा नाम स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड है। बता दें कि इस परियोजना ने अपने सपनों का घर खरीदने में 3000 से अधिक परिवारों की मदद की है। गौरतलब है कि 2019 में स्वामी फंड को लॉन्च किया गया था। चलिए जानते हैं स्वामी फंड क्या है। तो यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये किफायती और मध्य आय आवास के लिए विशेष विंडो सुविधा प्रदान करता है। ये फंड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसे संकटग्रस्त परियोजनाओं के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता माना जाता है। इसके तहत कुछ पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। इन मापदंडों में शामिल है, इसमें रियल एस्टेट परियोजनाएं रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम रेरा में पंजीकृत होनी चाहिए जो पर्याप्त धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं। साथ ही एक अन्य मानदंड है कि प्रत्येक परियोजना पूरी होने के बहुत करीब होनी चाहिए, उन्हें किफायती और मध्यम आय परियोजना श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। यानी कोई भी आवास परियोजना जिसने आवास इकाइयां 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्थ सकारात्मक परियोजनाएं भी स्वामी फंडिंग के लिए पात्र हैं। इस फंड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना और घर खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में तरलता को अनलॉक करना और सीमेंट और स्टील जैसे मुख्य उद्योगों को बढ़ावा देना है।